हमारे देश में खेल को बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है और किसी अपने खिलाड़ी को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग ऐसे स्टेडियम में आते हैं और उस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे ना जाने कितनी तालियां बजाते हैं। खेल के ऐसे नायकों के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से गुमनाम नायक भी होते हैं जिनके लिए शायद ताली बजाने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं होते। लेकिन वक्त बदला है, रवायत बदली है। बीते कुछ समय में हिंदुस्तान में ऐसे तमाम क्षेत्रों के लोगों को काम को सम्मान मिलना शुरू हुआ है, जो भले ही गुमनाम नायक हैं लेकिन उनके काम को सरकार सम्मान दे रही है। खेल का मैदान हो, विज्ञान की प्रयोगशाला हो, या फिर बेजुबान जानवरों के दर्द को समझने की बात, या फिर हिंदुस्तान की समृद्ध विरासत को पुनर्स्थापित करने के लिए काम करना हो जमीन पर, इन तमाम क्षेत्रों के ऐसे गुमनाम नायकों की कहानियों को समेट कर हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारे पद। हिंदुस्तान में क्रिकेट का जुनून हर कोई महसूस करता है। एक ऐसा खेल जिसने देश में खेलों की परिभाषा को ही बदल के रख दिया। 140 करोड़ के इस देश में हर गली मोहल्ले या इस प्रकार के खेल के मैदान में आपको क्रिकेट का टैलेंट नजर आ जाएगा। जरूरत है उस टैलेंट को एक मुकाम तक ले जाने के लिए। देश के तमाम जो नामचीन क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनके बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन उस खिलाड़ी को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उसके कोच की जो भूमिका है उसको कई बार बातचीत नहीं होती या उस कोच के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती नज़र नहीं आती। लेकिन देश के एक ऐसे ही कोच हैं जिनके बारे में अब बहुत बात होती है, क्योंकि उनको सरकार दे रही है पद्म सम्मान। उन्होंने बीते लगभग 5 दशक में देश को 1 दर्जन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं तो 100 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। गुरचरण सिंह जी को मिल रहा है पद्म सम्मान उनके इस 5 दशक की क्रिकेट की सेवा के लिए। क्रिकेट जिसका जुनून देश में लोगों के सर चढ़कर बोलता है, जिसे लोग किसी धर्म की तरह सम्मान देते हैं, इस खेल की सेवा को जिंदगी के 5 दशक समर्पित कर चुके हैं देश के जाने माने क्रिकेट कोच और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेट खिलाड़ी गुरचरण सिंह। बतौर कोच गुरचरण सिंह ने देश को मनिंदर सिंह, सुरिंदर खन्ना, कीर्ति आजाद, अजय जाडेजा और मुरली कार्तिक जैसे करीब 1 दर्जन दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। गुरचरण सिंह ने घरेलू क्रिकेट के भी 100 से अधिक खिलाड़ी तैयार किए हैं, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी से लेकर तमाम घरेलू मैचों में नाम कमाया है। गुरचरण सिंह द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले देश के दूसरे क्रिकेट कोच हैं। शुरू में वैसे मेरे को स्पोर्ट्स का शुरू से बहुत शौक था। जब मैं गांव में रहता था ना, तब तो मेरे को वॉलीबॉल वहाँ खेलने को मिलता था, या मैं कुश्ती देखता होता था, लोग कुश्ती कर रहे होते थे। मैं कुश्ती तो नहीं करता था, तो वॉलीबॉल तो खेलता ही था। और जब कभी मेरे पिताजी गांव जाते थे तो पूछते, रोल मिंडी जाते थे, पूछते थे आपके लिए क्या लाऊँ, तो मैं उनको यही कहता था कि मेरे लिए वॉलीबॉल लेके आना। स्कूल के जो टीचर थे ना, शिवदयाल सिंह जी, तो लोग तो 3 बजे खेलने आते थे, मैं 2-2.5 बजे पहुंच जाता था ग्राउंड में। तो वो देखते रहते थे कि ये रोज़ आता है। एक दिन वो खुद कहने लगे, आपको बॉलिंग आती है? मैं कहा हाँ जी। तो कहते मेरे को बॉल डाल, तो मैं उन्हीं को बॉल डालनी शुरू की, तो उनको 1-2 बार बोल्ड कर दिया। ही गॉट इंटरेस्ट, तो कहने लगा आप शाम को प्रैक्टिस में आया करो। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड जॉइनिंग द स्कूल। मैं 8वीं से 9वीं में वहाँ आया और 1 साल के बाद 10वीं में उन्होंने मेरे को स्कूल का कप्तान बना दिया। लकीली इन 53 आई गॉट अ ब्रेक थ्रू टू गेट इन टू द रणजी ट्रॉफी टीम। ऐसा 53 में जब मैंने रणजी ट्रॉफी खेली ना, तो मैंने लौट के पीछे नहीं देखा। मेरे को लाइफ में सब कुछ मिला, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इनका सब का ना बहुत शुक्र गुजार हूँ। अगर ये सारे सोच सोच के स्पोर्ट्स मैनों को पद्म अवार्ड देंगे तो आई बिलीव दैट दे आर राइट ऑन द राइट ट्रैक। 87 साल के गुरचरण सिंह में आज भी क्रिकेट के प्रति जोश बरकरार है। कोच बनने से पहले उन्होंने 37 प्रथम श्रेणी मैच खेले, 1198 रन बनाए जिसमें 1 शतक, 7 अर्धशतक और 44 विकेट शामिल हैं। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच की जिम्मेदारी भी निभाई और रणजी ट्रॉफी के लिए अनगिनत खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी। वे पुस्तक पिचिंग इट स्टेट के सह लेखक भी हैं। उची भाई जिनको हम प्यार से बुलाते हैं, चरण सिंह उनका नाम है, उनको पद्मश्री से नवाजा गया। बहुत खुशी की बात है कि उनके एफर्ट्स
बहुत सारे खिलाड़ी देश के लिए खेले हैं मेरे अलावा, तो मैं समझता हूँ कि उनकी डेडिकेशन, अगर उनके बारे में कहूँ, उनका पैशन, उनकी सिंगल माइंडेड डिवोशन, क्रिकेट जैसे उनके लिए गुरुद्वारा है वैसे ही क्रिकेट का नेट्स है, क्रिकेट है उनके लिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत लंबा है उनके साथ, मेरा जो सिलसिला उन्हें जानने का, उनके पास खेलने का, उनसे क्रिकेट सीखने का, और मेरे को बहुत ही दिली खुशी है, और मैं उनको और सभी क्रिकेट के चाहने वालों को, उनके परिवार को भी बधाई देता हूँ। क्रिकेट के माध्यम से 50 से अधिक वर्षों से देश सेवा कर रहे गुरचरण सिंह जी को पद्मश्री पुरस्कार